गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट थ्री के पेपर थर्ड में हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन के बारे में पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे ज्ञात किया जाता है। दो मेथड मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और पिछली क्लास में डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें माध्य निकालना होता है पहले, और फिर डेविएशन या विचलन निकालते हैं। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखिए, जब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो पहले मीन या माध्य भी डायरेक्ट मेथड से निकलेगा, और फिर डेविएशन निकाल के और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और जब हमें शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहले माध्य भी हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे और उसके बाद फिर डेविएशन निकालेंगे। तो आज हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आपको ध्यान होगा जब मैंने मीन पढ़ाया था, जब शॉर्टकट मेथड से हमें मीन निकालना होता है या माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले हमें एक अज्यूम्ड मीन लिया लेना होता है कि जो वैल्यूज हमें दी हुई होती हैं उसमें से एक अज्यूम्ड मीन निकालना होता है या कल्पित माध्य। जो वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, फिर हमने अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि लगभग इसका माध्य क्या हो सकता है, उसको हमने ले लिया, वो माध्य अज्यूम्ड मीन हो गया। और फिर उस अज्यूम्ड मीन में से हम ये जो है डेविएशन निकालते हैं, और फिर अज्यूम्ड मीन में से डेविएशन निकाल रहे हैं, डी जो है हम निकालते हैं, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई हैं उनमें से अज्यूम्ड मीन को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है डी की। और उसके बाद ये जो डेविएशंस या विचलन की वैल्यूज हमारे पास आई उनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके उनका सम कर लेते हैं तो हमारे पास समीशन डी स्क्वायर आ जाता है। और फिर हम इसमें से मानक विचलन या सिग्मा निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड द्वारा जब हमने सिग्मा निकाला था तो सिग्मा की वैल्यू हमने लिखी थी अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन। और जब हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं तो इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, देखिए क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका विचलन निकालेंगे, ये मानक विचलन निकालेंगे। दूसरी तरीके से अगर हम इसको ये भी करें कि डेविएशन कैलकुलेट नहीं करना हो हमें और डायरेक्ट ही हमें ये निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो उसका एक और तरीका हम ले सकते हैं कि सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर कर लें। तो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो एक्स हैं, उन सबका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, उन सबको ऐड कर लिया तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। और अब इससे हम अर्थमेटिक मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम इस फॉर्मूला में रख दें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो वो आएगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, हमारे पास वैल्यूज हैं 20, 21, 24, 25, 25, 28, 28, 29, 30। पहला काम होता है हमें इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, मिनिमम नंबर है 20, मैक्सिमम नंबर है 30, सबसे बड़ा नंबर है 30, ये असेंडिंग ऑर्डर में टोटल वैल्यूज हैं हमारे पास 10। अब हमने इसमें अज्यूम्ड मीन ले लिया है, अज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य 28 मान लिया, और उससे
डेविएशन निकाला है। तो 20 में से 28 को माइनस करा, माइनस 8, फिर 20 में से 28 को माइनस किया, माइनस 8, 21 में से 28 को माइनस किया, माइनस 8। इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन है डी की वैल्यू आज, और इनका जब हमने टोटल करा तो ये समेशन डी आ गया हमारे पास माइनस 33 प्लस 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस 30। अब हमें क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर करा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, अगेन माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 का 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से निकाला और इन सबको भी ऐड कर लिया तो समीशन डी स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 216। नेक्स्ट स्टेप इज द स्क्वायर ऑफ द हमारी वैल्यू एक्स, जो हमारी वैल्यूज थी उनका स्क्वायर किया है। यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू क्या है, 20, पहली वैल्यू 20, उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400, फिर 20 उसका स्क्वायर किया 400, 21 उसका स्क्वायर किया 441, 24 का स्क्वायर किया 576। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई और इन सबको ऐड किया तो ये समीशन एक्स स्क्वायर आ गया। सारी वैल्यूज आ गई देखिए हमारे पास। अब हम इसको रखेंगे फॉर्मूला में, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रख रहे हैं हम, अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर क्या है टेबल में देखिए, 216 डिवाइडेड बाय एन, टोटल वैल्यूज कितनी है 10, माइनस समीशन डी कितना है हमारे पास, समीशन डी हमारे पास आया था माइनस 30, वैल्यू रखी डिवाइडेड बाय एन 10। अब ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए देखिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय 10 माइनस माइनस 30 अपॉन 10 कितना हो गया माइनस 3 इसका स्क्वायर। इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय 10 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। अब इसको सॉल्व करा तो ये आ गया अंडर रूट 216 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे, आगे आ गया हमारे पास वैल्यूज अंडर रूट 126 अपॉन 10, मतलब 126 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.6 आ जाएगा और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.55 किलोग्राम। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा इज 3.55 किलोग्राम। ये जो वैल्यूज दी हुई थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू थी 20 से लेके 30 तक की, इन सबका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन निकाला तो हमारे पास 3.55 किलोग्राम आ गया। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के हमें एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यूज हमारे पास है ही दी हुई है, और एक्स बार यानी मीन चाहिए, और x बार आपको पता है x बार मीन इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर अपॉन n होता है। तो ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे, तो ये वैल्यूज हम रखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इसका है अंडर रूट समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। ये वैल्यूज हम रखेंगे, x बार निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें समीशन x अपॉन n जितनी भी वैल्यूज हैं x की उनको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स बार या मीन आ जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई समीशन एक्स अपॉन एन, समीशन एक्स को हमने जोड़ा था तो देखिए 250 आया था और एन है 10, ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ गया 25। अब ये सारी वैल्यूज अब इस फॉर्मूला में रखेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर कितना आया, समीशन एक्स था हमारे पास 250, वो एक्स जो वैल्यूज थी हमारे पास ये यहाँ पर थी, ये हमने फॉर्मूला में निकाला है, ये समीशन एक्स स्क्वायर आ रहा है 6373। सारी जो एक्स की वैल्यू थी ना उनको हमने स्क्वायर किया था, ये 20 का 21 का 24 का स्क्वायर किया था, ये आया था 400 441 576, ये आया था सब, और इन सबको जोड़ लिया तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू है 6376, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो 6376 डिवाइडेड बाय एन, एन वही है 10, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार अभी हमने मीन निकाला था आया था ऊपर देखिए 25 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 6376 डिवाइड बाय 10 माइनस 25 का स्क्वायर किया 625। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है 6376 माइनस 6250 डिवाइडेड बाय 10 इसका अंडर रूट, तो ये वही आ गई वैल्यू ऊपर जो थी अंडर रूट 126 अपॉन 10 मतलब 12.6 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो ये स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया 12.6 का, वही वैल्यू आ गई 3.55 किलोग्राम। तो शॉर्टकट मेथड से जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के करें या बिना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के करें, ये वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी दोनों। और ये जो अभी हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू 3.55 किलोग्राम। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में हम शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं।